हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिसंबर 2023 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय कुछ स्टूडेंट्स के प्रोग्राम कोड नहीं आ रहे थे, और जो टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की गई है दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए, उसके अंदर में भी उनका प्रोग्राम कोड नहीं दे रखा था। क्या रीज़न है जो दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में प्रोग्राम कोड को नहीं दे रखा, जो डेट शीट आया था टेंटेटिव डेट शीट उसके अंदर में नहीं दे रखा? चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल से समझते हैं। 2 दिन पहले एक हमारे पास कमेंट भी आया था एक स्टूडेंट का, जहाँ पे आर्या ऑनलाइन करके 69 करके एक स्टूडेंट है, जिसने कंप्लेन किया कि एग्जामिनेशन फॉर्म पर MAHI का वो जो कोर्स कोड है वो नहीं है। जो भी आप इग्नू से कोर्स कर रहे हो ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर इनरोल कर रखा है आपने कोई भी कोर्स के लिए, चाहे BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो हर एक कोर्स का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड होता है। अगर मान के चलो आप MA इंग्लिश कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम कोड होगा MEG, MA हिस्ट्री कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम कोड होगा MAH, और MA हिस्ट्री के अंदर में ही MAHI सेमेस्टर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का होता है। तो यहाँ पे MAHI के बारे में बात करें तो MA हिस्ट्री का ये प्रोग्राम कोड है। अब क्यों नहीं आ रहा था, क्या रीज़न था, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, 19 जो मतलब आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है ना, उससे बात यहाँ से समझ में आएगी आपको। जुलाई 2023 के अंदर में MA हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर में कुछ बदलाव किया गया, MA हिस्ट्री के पूरे कोर्स के अंदर में कुछ बदलाव किया गया इग्नू के अंदर में, जिसके कारण से क्या हुआ, MA हिस्ट्री का जो पूरा कोर्स था ना, वो दो पार्ट में बट के चला गया। दो पार्ट में कैसे, एक पार्ट हो गया जो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट थे, और एक पार्ट हो गया जो सेमेस्टर मोड के नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले थे जुलाई 2023 में। तो जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उनका तो वहाँ पे है MAH कोड है, पर जो सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं जिनका कोड है MAHI, उनका नहीं है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो जुलाई 2023 के अंदर में MA हिस्ट्री के न्यू एडमिशन है जुलाई 2023 के अंदर में जिन्होंने लिया है, उनका पूरा कोर्स सेमेस्टर बेस्ड पे है। सेमेस्टर बेस्ड पे तो है, पर ओनली फॉर नाम के लिए, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर सेमेस्टर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा एनुअल बेस पे ही होगा, पर एक बार में 2 सेमेस्टर का होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोज के अंदर में बात कर रखा है, अगर अभी तक आपने वीडियोज नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसके अंदर में भी हमने बात किया था बुक्स एंड असाइनमेंट वाली वीडियोज के अंदर में भी, कि किस तरीके से क्या एग्जाम है, कैसे होने वाला है, जो हमारी लास्ट वीडियो नव इन्फो पे डाली गई थी। तो देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में भी इसी कारण से नहीं आ रहा। अगर एग्जाम होना ही नहीं है आपका, क्योंकि अभी जुलाई 2023 के अंदर में आपने एडमिशन लिया है, अभी तक आपके असाइनमेंट पूरे नहीं आए, अभी तक आपका पूरा बुक नहीं आया है, पूरा बुक छोड़ो अभी तक एक बुक आया ओनली, बाकी 5 बुक का पता ही नहीं है, जब अगर फर्स्ट सेमेस्टर की भी अगर आप बात करोगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो अभी तक आपके पास कुछ चीज़ है ही नहीं, आपके पास फिजिकल बुक तक रिसीव नहीं हुआ है, तो कैसे आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो। तो उसके कारण से ही MAHI का कोड यहाँ पे नहीं है, और इसी कारण से अगर आप देखोगे डेट शीट भी, तो यहाँ पे डेट शीट में डायरेक्ट कंट्रोल एफ करके मैं MAH सेलेक्ट करता हूँ, तो MAH का ना यहाँ पे दिख जाएगा आपको। देखो MAH का यहाँ पे एक तो दिख रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरा वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे MAHI कह रहा, ठीक है, MAH हो गया MA हिस्ट्री का जो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट है, पर वहीं पे MAHI का अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलना, नो रिजल्ट फाउंड, यहाँ पे 0-0 हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर MAH का ना मान लो जो उनका सब्जेक्ट कोड होता है MHI 01, ठीक है, MHI 01 ऐसे करके हम लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे MHI 01 आ गया, 02 02 आ गया, ये जो आपका एग्जाम होना है, एग्जाम का जो सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, 03, ठीक है, यहाँ पे 03 जो इनका सब्जेक्ट कोड है, सारा सब्जेक्ट आ रहा है, पर वहीं पर इनका सब्जेक्ट जो एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स है उनका तो आ रहा है, पर वहीं पर जब आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हो तो उनका सब्जेक्ट कोड क्या है, तो MHI 101 है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, 00 आ रहा है, MHI 102 00, MHI 103 00, MHI 104 00, पूरा सब कुछ नील है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास अभी सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल नहीं है, असाइनमेंट नहीं आया है, आगे का क्या किस तरीके से सिलेबस होना है, किस तरीके से करना है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और 2 महीने में आप एग्जाम नहीं दे सकते, इसके कारण से आपका एनुअल बेसिस पे एग्जाम होगा, और एंड जुलाई का जब नेक्स्ट जो 2024 के अंदर में जब एग्जाम होगा तभी आपको एग्जाम देना है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोज में बात कर रखा है, जब MA हिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुआ कि नया उसके अंदर बदलाव किया गया है, तभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। आप कंफ्यूज होते हो, कमेंट करते हो, फिर और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट मोस्ट वेलकम है आपके कमेंट्स का, आप जब जब कमेंट करते हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट भी इसे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें रहने वाली हैं, इसी कारण से डेट शीट के अंदर में भी नहीं है, और इसी कारण से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। पहले जब एग्जामिनेशन फॉर्म को लाया गया या पहले डेट शीट आया गया तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, ठीक है। और एक प्रॉब्लम और भी है जिसके कारण से आप इसके बारे में बोलते हो बार बार,
उसका रीजन ये है कि कुछ ऐसे चीजें हैं यूट्यूब के ऊपर में, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है, ठीक है, उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं होती कई बार, और उसके बाद वो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वो बोल देते हैं, जानकारी नहीं और उसके बेसिस पे उन्होंने बोल भी दिया, फिर और ज्यादा वीडियो सर्कुलेट हो जाती है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है। इसके रिगार्डिंग में मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका एमएसटी सेमेस्टर मोड का किस तरीके से एग्जाम होगा, बुक्स का सिलेबस क्या रहने वाला, सब कुछ समझा रखा है डिटेल में। आपको बस जाना है द नव इन्फो पे, वहां पे जाकर वीडियो प्ले करना है, एक एक वीडियो को देखना है, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट था यहाँ पे आर्यन करके, आर्यन ऑनलाइन सिक्स, उनका भी यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। कई सारे इस तरह के, मैं एक ढूंढा हूँ आपको, कई सारे कमेंट्स थे ऐसे आकर के, सर डेट शीट के अंदर में MHI का कोड नहीं है, और भी कोड नहीं थे, जो बाकी कोड नहीं थे उनको तो अपडेट कर दिया गया, क्योंकि 3 बार डेट शीट अपडेट होकर आई है, ठीक है, कुछ टाइम के अंदर में फाइनल डेट शीट भी आपकी आ जाएगी। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों तक पहुंचाएं, क्या पता उनका भी इस तरह का डाउट हो, कन्फ्यूज हो रहे हो, तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। और अगर आपको हमारे द इनअप के चैनल को ज्वाइन करना है, वर्ड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।